मैम जी आज बीजेपी से डरी हुई है, लेकिन ऐसे समाज में रहने लोगों की जरूरत नहीं है हमें, जो समाज में सर कटवाने के लिए तैयार है उसकी जरूरत है। लेकिन सर कटवाया है, 40 साल की उम्र में उन्होंने ये कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, 65 साल की उम्र में ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, फ्लाइटों में घूमते हैं वो, ठीक है, और दलाली करने उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो बीएसपी की विरोधी पार्टी है उनसे समझौता चढ़ के, और अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते वो जिस सीट पे, उस सीट पे पैसा लेके अपने प्रत्याशी का समर्थन वो अदर पार्टी में करते हैं। कौन सी सीट का पैसा लेकर पूछे, कितनी सीटों पर पैसा लिया है, मुजफ्फरनगर की सीट पे देख लो, बीआरएस कुशवाहा की सीट पे देख लो, कितनी सीटों पर दलाली करके, और आज कहते बहन जी खत्म कर दूंगा, पागल हो गए मोहन राम जी, अगर उन्होंने अगर वो बीएसपी की अगर वो ऐसा कहते ना यूपी में, ठीक है, बहन जी को खत्म कर दो, लेकिन ये जनता जिसे साहब काशीराम ने अपने साइन करके बाहर निकाल दिया, क्यों निकाले थे, क्यों निकाले, ये दलाली कर रहा था कांग्रेस की, साहब काशीराम चुनाव लड़े तो कांग्रेस से साहब काशीराम के खिलाफ ही खड़ा हो गया। अच्छा, हम संगठन के लोग यहाँ मायावती जी है, यहाँ मायावती मायावती मंत्री है, यहाँ कोई विधायक है, यहाँ मुझे जवाब दीजिए, हम है तो बहन जी ने सड़क पे काम करा 35 साल, अब ईवीएम कोई आंदोलन किया गया, पुरानी बात हो गई है, पुरानी बात, पहले बहन जी ने बीजेपी के लिए कहा था बिना ईवीएम हटा के चुनाव करवा दो, बैलेट पेपर से मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बीजेपी सत्ता में करवा कौन दो भाई, जानते हो बहन जी अपने अपने सुप्रीम को मॉल बनाने में, यहाँ बहन जी फंड का प्रयोग नहीं कर रही है, आपको आपको लग रहा है घूम रहे फंड का प्रयोग कर रहे, अच्छे कपड़े पहने, यहाँ बहन जी चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, कोई बनके तो दिखा दे कैसे बन जाएगा, बनाया है देखो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जमानत चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपने उठाया सवाल ईवीएम पे, ये बामसे वाले अभी अगले महीने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कंटिन्यू करते भी रहते हैं, बीएसपी ने कौन सा आंदोलन किया अभी ईवीएम के खिलाफ, आंदोलन बीएसपी सिर्फ आंदोलन, हाँ बीएसपी पंजाब में आंदोलन कर रही है लगातार ईवीएम के खिलाफ, सर यूपी में चार बार सरकार बनी, यूपी में चार बार आंदोलन करा बहन जी ने, बताते हैं ठीक है, सिर्फ ईवीएम ईवीएम के बाद ईवीएम के लिए बहन जी ने कब आंदोलन किया, बस ईवीएम के लिए। इसी राजधानी दिल्ली में जहां पर आप खड़े हुए हैं, बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वामन नसराम ने ये कहा कि मैं बीएसपी को खत्म कर दूंगा और मायावती का खात्मा होना बेहद जरूरी है, क्या कहेंगे, उन्होंने इसलिए कहा है, उन्हें पता है मैं मायावती बन नहीं सकता, मैं उनके बराबरी कर सकता, मैं समाज में दलाली करूंगा, चंदा लूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा और बामसेब पर विचारधारा करके बीजेपी को जिता दूंगा, वो बामसेब वामन बेसराम की हिस्ट्री आप नहीं जानते, वो कौन सा इंसान है जिसे साहब काशीराम ने लात मार के बाहर निकाला था, ये वो इंसान है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ गया था साहब काशीराम के खिलाफ, इसे साहब काशीराम ने खुद रिजेक्ट करा था बसपा से, बामसेब आज ये कहता मैं शादी नहीं करूंगा, 65 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली, 65 की उम्र में शादी कर ली इन्होंने और कहता मैं शादी नहीं करूंगा, और बामसेब बना बना के लोगों से चंदा ले लेके फ्लाइटों में घूम रहा, और आज कहता मैं बहन जी को खत्म कर दूंगा, बहन जी को खत्म करने वाले खुद खत्म होगा, बहन जी खत्म नहीं हुई, बहन जी के साथ समाज है, बहन जी को आप किसी एक सीट से मत नापो, अभी भी 1.5 करोड़ वोट पड़ा बहन जी पे, और जितनी ये छोटी पार्टी है ना वामन बेसराम जैसी उनकी जमानत जब्त हो गई है, लेकिन वामन बेसराम विकल्प है बहन जी, लेकिन वामन बेसराम महाराष्ट्र से एक सीट नहीं जीता पाते हैं, यहाँ पर बसपा को खत्म नहीं, जो अपने क्षेत्रों में सीट नहीं खोज पा रहे वो सब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बहन जी को कहते हैं यहाँ सीट जीतेंगे, वहां तो दलित समाज पहले से जामुक है, चार बार सरकार बना चुका, वामन बेसराम जी से बोलो अपने महाराष्ट्र में सरकार बनाए, वहां इतनी पार्टियां बनी हुई है कि आप पागल हो जाओगे बहुजन समाज के, वो वोट बढ़ जाता है बीजेपी जीत जाती है। तो 2024 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, आप बाम साहब का जो विरोध कर रहे हैं इनसे पूछिए कि आप सॉरी आप टक्कर करा देते हैं, मैंने कहा एक टाइम था जो बहन जी ने बहुत अच्छा काम करा मानते इस बात को, लेकिन आप भाई बाम साहब को टुकड़ा नहीं कह सकते, बाम साहब कितनी है भाई से पूछो, बाम साहब कितनी बटी हुई, मेरी बात सुनार बनी हुई है, आज बीमार भी बटी हुई है, आज बाम साहब भी बटी हुई है, लेकिन सबकी विचारधारा एक है, शायद अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम लोगों को जागरूकता का काम कर रहे हैं, लेकिन मैम जी आज बीजेपी से डरी हुई है, लेकिन ऐसे समाज में रहने लोगों की जरूरत नहीं है हमें, जो समाज में सर कटवाने के लिए तैयार है उसकी जरूरत है, लेकिन सर कटवाया है आज कहाँ है, आप ने सर कटवाया 35 साल, मैं बहन जी का समर्थक नहीं हूँ, भाई को भी सपोर्ट करता हूँ चंद्रशेखर भाई को सबको, मगर जिसका संघर्ष है वो छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन आज भी बहन जी ने ट्वीट करा और इसको बैन कर दो, भड़कम मच गया देश में, बहन जी को आपने सपोर्ट करा अच्छी बात है, जितनी लोगों की उम्र नहीं है ना 35 साल संघर्ष करा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जितने भी तमाम संगठन है हमारा फर्ज
अंदर सबके साथ खड़ा होना, किसी को विद्रोह नहीं करना। हमारे सुनने वाले कोई नहीं है भाई आज के टाइम में, मेरी बात सुनो। अगर आप एक को चुनोगे, एक का विद्रोह करोगे तो हमारा समाज ठीक ही रहेगा। लेकिन लेकिन वो तो पावन के सामने किया है ना, आप पार्टियां बना बना के वोट बांट रहे हैं। बीजेपी विद्रोह क्यों किया है? मायावती की जवाब अभी भी बहुत पावर, अगर वो काम करे अपनी सत्ता हटा लेगी। लेकिन बीजेपी की डर से डरी हुई है, ऐसे डरपोक की जरूरत नहीं है। ये आरोप पावन मिश्रा पे लग सकता है ना, लग सकता है। लेकिन वो एक बात बताओ, अब ये कह तो रहे कि पावन मिश्रा को दलाल है समाज की, दलाली कर रहे कह तो रहे। क्या दलाली करी आप बताओ, बताओ क्या दलाली करी? की उम्र में उन्होंने ये कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, 65 साल की उम्र में ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, फ्लाइटों में घूमते हैं वो, ठीक है। और दलाली करने उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो बीएसपी के विरोधी पार्टी है उनसे समझौता चढ़ के, और अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते। वो जिस सीट पे उस सीट पे पैसा लेके अपने प्रत्याशी का समर्थन वो अदर पार्टी में करते हैं। कौन सी सीट का पैसा लेकर पूछे हैं? कितनी सीटों पे पैसा लिया है? मुजफ्फरनगर की सीट पे देख लो, बीआरआरएस उस की सीट पे देख लो, कितनी सीटों पे दलाली करके। और आज कहते बहन जी खत्म कर दूंगा, पागल हो गए मोहन मिश्रम जी। अगर उन्होंने अगर मैं अगर वो बीएसपी की पढ़ा अगर वो ऐसा कहते ना यूपी में, ठीक है, एनजीओ खत्म कर दो, दलाली करिए, पैसा खाया है। लेकिन ये जनता वही काम नहीं है राम, जिसे सांप काशीराम ने अपने साइन करके बाहर निकाल दिया था। निकाले थे क्यों निकाले थे? ये दलाली कर रहा था कांग्रेस की, सांप काशीराम चुनाव लड़े तो ये कांग्रेस से सांप काशीराम के खिलाफ ही खड़ा हो गया। अच्छा, हाँ उस तरह से। और ये कह रहा था मैं सांप काशीराम की, लेकिन लोग बताते चंदा के चंदा का मामला वैसे हुआ। चंदा तो इतना लेते हैं जिसकी कोई हाथ ही नहीं है, मानता हूँ चंदा लेते हैं। हमारे समाज के लोग कमजोर हैं तो चंदे से चलते हैं, कोई धनी आदमी ऐसा नहीं देता। जैसे आज जो लोग जागरूक है ना, सिर्फ बाम से की वजह से, बाम से की अलावा किसी ने कैडर का काम नहीं किया। काशीराम जी के टाइम से कैडर लग रहे हैं और वही कंटिन्यू हमारे मामले बसपा का कैडर नहीं लग रहा, आपको कैडर नहीं दिखता बसपा का कैडर से ही। अगर आप किसी को जाकर समझाएंगे नहीं तो कैसे उतर के आएंगे जमीन पर? आप बताओ, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए आपको समाज में जाना पड़ता है, समाज में जाने काम कर रहे हैं। बसपा जमीन पे 4 करोड़ लोग वाले जा रहे हैं, हम 2 साल से लगातार, ठीक है, आप छोड़ो वो सारी बात मैं रख रहा हूँ, आप यहाँ सर्वे कर लो, सारी बात छोड़ो, 2 साल से लगातार आप मुझे ये बताएं, ये आप बहुजन समाज के भाई भी मेरे हैं। नहीं नहीं, हम एक हम एक तरह की बात कर रहे हैं, आपस में एक तरह की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं, चंद्रशेखर भाई भी हमारे हैं, मायावती भी हमारे, सब हमारे हैं, सब, मगर हमें बटना नहीं है। आप ये बताएं, पार्टी हमारी एक ही है, तमाम संगठन, तमाम संगठन के लोग यहाँ, मायावती जी है यहाँ, मायावती मायावती मंत्री है यहाँ, कोई विधायक है यहाँ, मुझे जवाब दीजिए। हम है तो क्या अध्यक्ष है तो हम भी तो हैं, हम भी तो। राजेंद्र पाल गौतम जी कौन है? पहले बसपा से तो निकले हैं ये, तभी तो आम आदमी पार्टी की टिकट लेके जीते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बट कैसे रहे, बुलंदशहर सीट पे भी चुनाव हुआ है पिछले साल, हाजी आमिन जी एसपी से लड़े और एक मुस्लिम प्रत्याशी बसपा से लड़ा है, आप सुनो, ठीक है, वोट उसे 55,000 पड़े हैं और 65,000 वोट वाला बुलंदशहर से बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, जो 15,000 वोट था वो एसपी खींच के ले गई और बीएसपी तीसरे नंबर पे खड़ी हो गई और बीजेपी जीत गया। इस तरह से हम हार रहे हैं, क्या सही है? मेरी बात सुनिए जनाब, आप हम विश्वास करते हैं क्रांति में, हम विश्वास करते हैं लड़ने में, जब तक भीमा कोरेगांव नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारे एक का सर कट रहा है ना, हमें 2 का सर काटने पड़ेंगे भाई। राजनीति की बात कर रहे हैं तो ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, ईवीएम ही साली उनकी सबकी। अगर हम वोट मायावती अगर वोट दे रहे हैं ना तो 60-40 का इसमें सेट किया हुआ, 60-40 का ईवीएम का विरोध 2017 के चुनाव में सबसे पहले बहन जी ने कहा था, ईवीएम हटा के चुनाव हटा दो, राजनीति छोड़ दो। चुनाव हटा दो कहना अलग बात है, लेकिन उसके लिए सड़क पे उतरना एक अलग बात है। बहन जी ने सड़क पे काम करा 35 साल, अब ईवीएम कोई आंदोलन किया गया? पुरानी बात हो गई, पुरानी बात है। बहन जी ने बीजेपी के लिए कहा था बिना ईवीएम हटा के चुनाव करवा दो, बैलेट पेपर से मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बीजेपी सत्ता में करवा कौन दो भाई, जानते हो अपने सुप्रीम को मॉल बनाने में जानते हैं, मॉल कोई नहीं बनाता। अच्छा, लोगों की ये प्रवृत्ति है कि बहन जी पुरानी है, दलित घर से है तो चप्पलों में घूमे, झुग्गियों में घूमे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसी बात की है, यहाँ बहन जी फंड का प्रयोग नहीं कर रही है, आपको 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 लग रहा है घूम रहे हैं, फंड का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने। यहाँ बहन जी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, कोई बन के तो दिखा दे कैसे बन जाएगा। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जमानत चलती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप जानते हो राजनीति। अगर सपना चौधरी नाचेगी ना तो यहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे लोग। अगर सपना चौधरी हरियाणा से चुनाव लड़ती है ना तो मात्र 1400 वोट पड़ते हैं। वोट में समाज पे विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात है। वो सपना चौधरी है, हम यहाँ पे दलित की बात कर रहे हैं और चौधरी वोटरी को ना जोड़ जा रहे बीच में, दलित की बात। सुनिए सुनिए, बहुजन बहुजन, आपने कहा कि बहन जी ने कहा कि एक बार बिना ईवीएम के चुनाव करा दो, आपका कहने का मतलब है कि ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीत गई, ऐसा बीवीएम तो उनका ही है। सुन लीजिए सुन लीजिए, अब ये जो बामसे बालेज भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं,
इनका आंदोलन है अभी, हम बाम सेफ के नहीं है, सपोर्टर तो है ना आप, चलिए ठीक है, लेकिन आप मुझे बामसिप के समर्थक, आपकी बातों से लग रहा है तो मैं आपको समर्थक कह सकता हूँ। ठीक है भैया, आप बीएसपी तरफ से आपने उठाया सवाल ईवीएम पे, ये बामसिप वाले अभी अगले महीने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और कंटिन्यू करते भी रहते हैं। बीएसपी ने कौन सा आंदोलन किया अभी ईवीएम के खिलाफ? आंदोलन बीएसपी सिर्फ आंदोलन, हाँ हाँ, बीएसपी पंजाब में आंदोलन कर रही है लगातार ईवीएम के खिलाफ। सर यूपी में चार बार सरकार बनी, यूपी में चार बार आंदोलन करा बहन जी ने, बताते हैं क्लियर, सिर्फ ईवीएम, ईवीएम के बाद ईवीएम के लिए बहन जी ने कब आंदोलन किया? बस ईवीएम के लिए, बस देखिए आंदोलन मूवमेंट सब ने किया, बावन मेश्राम बता रहे, बावन मेश्राम आप जो तर्क देंगे, बावन मेश्राम ने आंदोलन किया, इन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने सबने, बहन जी से जब इस यहाँ से जन्म लिया है, यहाँ रहती थी दिल्ली से, तब से लेके इस कुर्सी तक पहुँचने तक आंदोलन ही किया है, आंदोलन किया आज भी। लेकिन तब की बात थी और अब की बात सर, किया जा रहा है, वर्तमान की बात करिए आप, वर्तमान की बात करिए, चार बार मिलके बनाया तो बहन जी रही है, वो तो पूरा देश पूरा दुनिया जानती है इसको, तो आज की बात पे अगर संबंध है बात करें, जैसे एक सीट आई यूपी में और राष्ट्रीय स्तर पर कैडर आपका कहीं पे नजर नहीं आता, हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसको लेकर के आप बताइए जो है वर्तमान में अभी फिलहाल क्या चल रहा, जमीन पे क्या चल रहा? देखिए माननीय साहब ने जो कैडर चालू किया, माननीय साहब जो कैडर चलाते थे वो फिलहाल आज नहीं है, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं।